गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। और आज हम लोग आए हुए हैं बर्थडे पार्टी में। तो आप लोग सोच रहे होंगे किसके बर्थडे पार्टी में आए हुए हैं। तो मतलब चाची का लड़का है ना, वो भाई है हम लोगों का, वो उसी के बर्थडे पार्टी में आए हुए थे। मतलब पास ही में घर है, तो चाची का लड़का है तो पास ही में घर होगा ना, तो वही आए हुए थे हम लोग यहाँ पे। और शाम का लगभग 6 बज रहा था, और मतलब सुबह से ही चाची मतलब बुला रही थी, मतलब शाम को आई थी बोलने के लिए कि खाना भी बनाना रहता है ऐसे खिलाने के लिए। जितना मतलब लड़के वगैरह आए हुए हैं ना, उन लोगों को खिलाते हैं, तो बुला रही थी। मतलब थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला था, कुछ बहुत सारा ऐसे काम रहता है। और आप लोग भी बोलेंगे कि हमेशा बोलती है कि काम ही रहता है, तो बहुत सारा ऐसे काम रहता है। और वीडियोज वगैरह भी एडिट करना रहता है, डालना रहता है ऐसे करके, तो थोड़ा ज़्यादा ही काम हो जाता है। फिर पूरा काम भी करना रहता है, तो मतलब शाम हो गया था। तो फिर आए थे तो खाना वाना भी बनाए थे, बस डॉग नहीं बना पाए थे क्योंकि, और यहाँ पे बाबू आ गया था, परेशान कर रहा था, फिर उसको मना करके भेजे हैं मम्मी के पास। और मतलब ब्लॉग नहीं बना पाए थे, पूरा खाना वाना भी बना था, पूरी सब्जी और खीर बना था, और बस ब्लॉग नहीं बना पाए थे। और सब्जी हम ही बनाए थे, और थोड़ा बहुत हम कुछ किए थे, बनाए थे, बस ब्लॉग नहीं बना पाए थे क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था कि बनाए। उसमें बाबू भी परेशान कर रहा था, और मतलब कुछ करने नहीं देता है ऐसे करके, तो परेशान कर रहा था, तो इसलिए नहीं बनाए, जल्दी जल्दी से बना दिए थे। और यहाँ पे देखिए केक मतलब कितना मतलब अच्छा है, केक बहुत अच्छा था, देखने पर बहुत अच्छा लग रहा था। आप सब बताइएगा कैसा है केक। और यहाँ पे देखिए पूरा परेशान कर दिया है सब उसको, मतलब यही चाची का लड़का है जो बाबू के पास में खड़ा है, पूरा वही है। और यहाँ पे बाबू को देखिए हेलो बोल रहा था, और इतना ज़्यादा हल्ला वल्ला, इतना ज़्यादा हल्ला सब कर रहे थे ना कि क्या बताएं आप सबको। और हमारे यहाँ तो मतलब ऐसे ही सिंपल, मतलब गांव में तो सिंपल ही तरीके से बर्थडे वगैरह मनाते हैं, तो वैसे ही हमारे यहाँ भी मनाया जाता है। और गीत तो मतलब भी गाया जाता है ऐसे करके, तो बहुत सारा गीत भी हो रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा शोर था ना कि मतलब शोर दिखाएंगे, मतलब डालेंगे आवाज़ इसमें का, तो इतना ज़्यादा शोर है कि क्या बताएं आप सबको। यहाँ पे देखिए क्या क्या कर रहा था सब, ऐसे ही सब लोग, और पूरा मतलब इतना ज़्यादा शोर था कि क्या ही बताएं। और ऐसे ही सिंपल तरीके से ही मनाया जाता है हमारे यहाँ गाँव में, तो ज़्यादातर सिंपल ही तरीके से मनाया जाता है, तो वही था, ऐसे ही मनाया गया। और यहाँ पे देखिए केक कट मतलब करेगा यहाँ पे भाई, और यहाँ पे देखिए मतलब केक कट करने से पहले ही पूरा गुब्बारा जो होता है ना, पूरा बच्चे वगैरह जो भी थे ना, पूरा फोड़ दिए थे। यहाँ पे देखिए कैसे कैसे करेंगे, पूरा मतलब फोड़ देंगे पहले ही, अभी केक मतलब कट होगा ही नहीं, इतना ज़्यादा शोर कर रहे थे ना, मतलब अच्छा से ब्लॉग भी नहीं शूट कर पाए थे क्योंकि इतना ज़्यादा शोर था। लाइटिंग का भी प्रॉब्लम था, मतलब गांव में तो ज़्यादातर एक दो लाइट ही जलता है, मतलब एक रूम होगा, तो यहाँ पे देखिए कैसे कैसे फोड़ रहे हैं सभी लोग। और अभी केक कट भी नहीं किया गया है, बस ऐसे ही, और पूरा गिरा और आकर चारों तरफ का कुछ कुछ जो था ना, फूल वगैरह सब कुछ गिरा और आकर ऐसे केक में कर दिए थे। और लाइटिंग का थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मतलब लाइटिंग तो होता है लेकिन मतलब एक रूम में एक दो लाइट से ज़्यादा लाइट तो लगता नहीं है, तो इसीलिए लाइट मतलब अच्छा से नहीं आ पा रहा था, मतलब क्लियर वीडियो आ नहीं रहा था, अंधेरा अंधेरा जा रहा था बस ऐसे ही। तो बस जैसे भी आया था वैसे शूट किए थे। और यहाँ पे ऐसे ही हमारे यहाँ होता है, और तो ऐसे ही हो रहा था। यहाँ पे देखिए भाई था और केक कट करेगा, अब यहाँ पे मोमबत्ती वगैरह जला रहे थे लोग, और फिर केक कट होगा। और यहाँ पे देखिए पूरा जो होता है ना, सब पूरा ऐसे करके छिड़क दिए थे, पूरा बाल में पूरा लग गया था, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, नाम हमें याद नहीं आ रहा है, आप तो कमेंट करके बताइएगा क्या बोलते हैं। और बने रहिएगा आप लोग, लग गए थे सभी लोग, और मतलब इतना ज़्यादा ऐसे करके किया था सब लोग, और पूरा सभी लोग के बाल में ऐसे करके लग गया था, देख सकते हैं आप सब। और बने रहिएगा आप लोग हमारे ब्लॉग में एंड तक। अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आता होगा तो लाइक कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बने रहिए, देखते रहिए, मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर में। और यहाँ पे केक कट हो गया था,
और फिर केक भी खिलाया जाएगा और खिलाया भी था। यहाँ पे देखिए भाई को गिफ्ट लेकर के खड़ा था बाबू और भाई, और फिर केक को कट करके खिलाया था। बस यहाँ पे देखिए भाई और बाबू गिफ्ट दे रहा था हम लोग को, तीनों लोग का इसी में था, मतलब तीनों लोग दे दिए थे वही, मतलब मिला करके। और ऐसे किया जाता है कि पहले केक कट हो जाता है फिर गिफ्ट दिया जाता है, तो यहाँ है कि पहले गिफ्ट ले जाकर सभी लोग रख दिए थे फिर मतलब केक कट हुआ था, लेकिन हम लोग तो बाद में दिए थे, केक कट होने के बाद गिफ्ट दिए थे, भाई दिया था और वही खरीद के लाया था। और यहाँ पे देखिए केक कट करके सभी लोग को खिला रहा था, हमें भी खिलाया था, बस कैमरा उसके साइड किए थे, मतलब अपने साइड नहीं कर पाए थे बस। और फिर बने रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर में। थे और पूरा मुंह में केक लगा दिया था, मतलब खिलाते टाइम तो वही साफ कर रहे थे यहाँ पे। और फिर यहाँ से हम लोग घर चले गए थे अपने घर, मतलब पास ही घर। अभी हमारा बर्थडे वगैरह बन गया है चाची का के लड़के का था, और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं खाना वाना खाने के लिए। कैसे देख रहे हैं बाबू, हेलो बोलो बोलो हेलो। और अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं तो आप सबको दिखाते हैं, तो बने रहिएगा आप लोग हमारे ब्लॉग में। और लाइट इधर का जल नहीं रहा है, हम लोग जा रहे हैं और घर पे भी खाना है कि हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए, उधर लाइट नहीं है तो अंधेरा। और यहाँ पे हम लोग खाना वाना खा करके घर पे आ गए थे, और मोबाइल ही मतलब चार्ज नहीं था कि सूट करे, खाना वाना खाए थे तो पूड़ी सब्जी और खीर बना था। और हम लोग खाना वाना खा करके घर आ गए थे सोने के लिए, और यहाँ पे हम लोग सो गए थे। फिर यहाँ पे देखिए सुबह में मॉर्निंग का टाइम था अगले दिन का है, तो यहाँ पे बाबू को गुल्ली डंडा खेल रहा था ऐसे ही डंडा ले करके, तो फिर ऐसे ही इसको गुल्ली डंडा बना करके दिए थे, देख सकते हैं कैसे कैसे खेलता है। और इसको पता नहीं कैसे खेलना भी आ गया है गुल्ली डंडा, मतलब जैसे जैसे मतलब खेला जाता है ना वैसे ही खेलता है ऐसे। और हमें बोलता है कि तुम फेंको और हम खेल रहे हैं, यहाँ पे देखिए। और इस ब्लॉग में यहीं तक रहने देते हैं, अगर आप लोग को हमारा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए स्वस्थ रहिए अच्छे से अपने ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो लोग भी हमारे चैनल पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।